कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 24 नवंबर को बुरहानपुर जिले से प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी शिप्रा और नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में अलावा गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदों में भी जाकर माथा टेकेंगे। वे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। यह यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 16 दिन तक रहेगी। यात्रा के पड़ाव में रोजाना शाम को सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। यात्रा में 118 यात्री 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से करीब 100 पदयात्री साथ चलेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 दिनों में 382 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। राहुल गांधी उज्जैन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।